दशा रानी की व्रत कथा सातवी कथा। एक गांव में एक ब्राह्मणी रहती थी, उसका एक लड़का था। एक दिन वह लड़के से बोली कि बेटा कुछ काम करो जिससे अपना निर्वाह हो। तब लड़का गांव वालों की गायें चराने लगा। एक दिन लड़का पशुओं को पानी पिलाने घाट पर गया। वहां स्त्रियां स्नान करके दशा रानी के गंडे ले रही थी। उनका एक गंडा अधिक था। उनमें से एक ने कहा कि लड़का किसी उच्च वर्ण का हो तो उसी को गंडा दे दे। फिर स्त्री ने पूछा कि तुम किस वर्ण के हो। तब वह बोला कि हूँ तो ब्राह्मण, पर कोई काम न मिलने के कारण घेर चराता हूँ। स्त्रियों ने लड़के को एक गंडा देकर कहा कि तुम इसे घर जाकर अपनी माता को देना और कहना कि इसका पूजन और व्रत करे। हम लोग तुमको सीधा और पूजा की सामग्री भी देते हैं, सो भी ले जाकर माता को दे देना। लड़के ने गंडा ले लिया, फिर सब स्त्रियों ने उसे सीधा दिया। लड़का उस सामान की गठरी बांधकर घर गया। लड़के ने बुढ़िया से सब हाल कहकर दशा रानी का गंडा और सामान भी उसे दिया। बुढ़िया ने गंडे को प्रेम पूर्वक लेकर माथे से लगाया। उसी दिन से वह यह व्रत करने लगी। 9 दिन कथा कहानी कहती रही। 10वें दिन उसने गंडे के पूजन की तैयारी की। वह ब्राह्मणी देहरी के बाहर लीप रही थी। उसी समय एक वृद्ध दरिद्र स्त्री द्वार पर आकर बोली कि क्या करती हो बहन। तब वह बोली कि आज मेरे घर दशा रानी का पूजन है। तब दशा रानी ने कहा कि मुझे बहुत प्यास लगी है, थोड़ा पानी पिलाओ। तब बुढ़िया ने कहा कि जरा तुम ठहरो, कटोरी ढूंढ लाओ, तब तुमको पानी पिलाऊंगी। बुढ़िया कटोरी लेने अंदर गई। तब एक मेली कुचेली बुढ़िया जो स्वयं दशा रानी थी, उसके परिंडे पर एक सोने का घड़ा रखा और अंतर्धान हो गई। बुढ़िया कटोरी लेकर जो ही परिंदे के पास आई, वहां सोने का घड़ा देखकर घबराई और सोचने लगी कि यह कहां की बला आ गई। मुझ पर तो चोरी का इल्जाम लगेगा, बुढ़ापे में मेरी इज्जत जाएगी। इसी चिंता में वह ब्राह्मणी बुढ़िया की खोज में बाहर निकली। तब तक उसका लड़का आ गया। वह बोली कि एक बुढ़िया न जाने कहां से आई और यहां सोने का घड़ा रखकर चली गई। लड़के ने कहा कि वही तो दशा रानी थी, उन्होंने यह घड़ा तुमको दे दिया है। लड़के ने कहा जब वह फिर से आए तो उनका अच्छी तरह से स्वागत करना। अब बुढ़िया नदी में नहाकर आई तो सामने सोने का घड़ा भरा दिखाई दिया और उत्तम वस्त्र एक किनारे पर रखे थे। बुढ़िया ने किसी से पूछताछ किए बिना ही उन वस्त्रों को पहन लिया और घड़ा हाथ में लेकर वह जो ही घर चलने को तैयार हुई कि 4 कहार डोली लिए आ पहुंचे और बुढ़िया से बोले कि यह डोली तुम्हारे लिए आई है, इसी में बैठकर घर चलो। आगे चलकर वह क्या देखती है कि जहां टूटी फूटी झोपड़ी थी वहां कंचन के महल खड़े हैं। बुढ़िया ने महल के भीतर श्रद्धा और भक्ति पूर्वक दशा रानी के गंडे की पूजा की और अंत में हाथ जोड़कर यह वरदान मांगा कि हे महारानी, जैसे तुमने मुझको यह संपत्ति दी है वैसे ही मेरे लड़के का विवाह हो जाए, तब यह सब शोभा देगी। कुछ दिनों बाद लड़के का विवाह हो गया और बहुत ही सुंदर सुशीला बहू घर में आ गई। तब बुढ़िया ने दशा रानी से दूसरा वर मांगा कि जैसे मेरे बहू बेटा है वैसा ही पोता पाऊ। कुछ दिनों बाद बुढ़िया के लड़के को भी लड़का हो गया। एक दिन बुढ़िया ने अपने बहू को समझाया कि
मेरी यह सब संपत्ति दशा रानी की दी हुई है। उन्हीं की कृपा से तुम भी इस घर में आई हो। यदि मैं मर जाऊं और कभी एक मेली कुचली बुढ़िया तुम्हारे घर आए तो उसका विनय पूर्वक स्वागत करना। जब कभी दशा रानी के गंडे पड़े तब उनको अवश्य लेना और श्रद्धा पूर्वक उनकी पूजा करना। जब कभी तुम पर कोई संकट पड़े तब सुहागिने न्योतना। दशा रानी की कृपा से तुम्हारी सब इच्छाएं पूरी होगी। कुछ दिनों बाद बुढ़िया मर गई। तब दशा रानी ने सोचा कि चलकर देखना चाहिए कि अब बहू सास के वचनों का कहाँ तक पालन करती है। दशा रानी एक वृद्धा भिखारिणी का वेश धारण कर उसके घर आई। उन्हें देखते ही बहू उठकर खड़ी हो गई, उनके पांव छुए, दंडवत की और अपने बालक को उसकी गोद में डाल दिया। उसकी ऐसी श्रद्धा भक्ति देखकर दशा रानी ने आशीर्वाद दिया कि सदा सुहागन रहो, तेरी धर्म बुद्धि हो, भगवान सदैव तेरा भला करेगा, भंडार भरपूर रहे, कभी किसी बात की चिंता तुझे ना हो, जो इच्छा करेगी सो फल पाओगी। दशा रानी ने जैसी कृपा दृष्टि बुढ़िया ब्राह्मणी पर की वैसी ही अपने सब भक्तों पर करें।